आईपीएल 2025 का ऑक्शन होने जा रहा है और हर एक टीम के पास काफ़ी सारा पैसा है। पंजाब किंग्स के पास 100 करोड़ हैं और वही 1500 से ज़्यादा खिलाड़ी रजिस्टर्ड हैं जो इस ऑक्शन में हिस्सा लेंगे। मैं हूं गौहर वानी और मैं आपको लेके चलूंगा आवाज़ द वॉइस के न्यूज़ रूम में, और हम यहां पे जो मेरे कलीग्स हैं उनसे पूछेंगे कि वो किस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा या सबसे ज़्यादा बिड किस पे लगे। आइए चलते हैं। आई थिंक तीन खिलाड़ी हैं जिन पे ज्यादा नजर रहेगी, जोफ्रा आर्चर, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने एशिया कप फाइनल्स में पूरी श्रीलंका की टीम को आउट कर दिया था, सो आई थिंक सिलेक्टर्स की नज़र उन पर रहेगी और वो डिपेंडेबल हैं, और क्योंकि इस टीम की डीप पॉकेट्स हैं तो दे कैन अफोर्ड दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स। ही इज़ अ फास्ट बॉलर, तो आई थिंक दैट्स व्हाट्स इज गोइंग टू बी। डेविड कॉनवॉय पे, नीतीश राणा पे और श्रेयस अय्यर, क्योंकि पंजाब जो है ना उसके पास बहुत पैसा, 100 करोड़ रुपया है उसके फंड पे खर्च करने के लिए, तो ये तीन पे मुझे लगता है कि ज़्यादा दाम दे कर उसको ज़्यादा कीमत दे के खरीदेंगे। इनका परफॉर्मेंस आईपीएल में अच्छा रहता है, इंटरनेशनल में चाहे जैसा रहे। वेल आई फील ऋषभ पंत मेरा एक आइडियल प्लेयर हो सकता है जिसको मैं सोच सकती हूँ इन लाइंस पे, बिकॉज द वे ही वॉज इंजर्ड एंड एवरीथिंग हैपेंड एंड स्टिल ही बाउंस्ड बैक, सो आई थिंक ही शोड हिज ओन डिटर्मिनेशन एंड आई फील दिल्ली कैपिटल्स ने उसको लॉन्च किया था और आई थिंक इस साल उसको सबसे ज़्यादा बिट किया जाएगा, सबसे ज़्यादा मनी पे। देखिए चूँकि आप चंडीगढ़ के स्टूडेंट रहे हैं, चंडीगढ़ सिटी के, तो इसलिए हर्षदीप का नाम लेना चाहूँगा और वो अच्छा खेलता भी है, फिर की बाज भी है, मतलब चकमा देने वाला बॉलर है, तो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, अच्छा लगता है कि अच्छा प्रदर्शन होगा। अर्शदीप के बाद मैं शमी का नाम लेना चाहता हूँ कि मोहम्मद शमी जो है सीनियर बॉलर हैं, तो इनका भी ठीक ठाक रहेगा परफॉर्मेंस और भरोसेमंद है, ख़ासतौर से जब इंडिया संकट में जब पड़ती है, हमने वर्ल्ड कप में देखा भी है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, हालांकि आखिरी के मैच में थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं कर पाए थे, लेकिन ओवरऑल उनका प्रदर्शन अच्छा था। फिर बाद में अभी सबसे अच्छी बात यह है कि उनका लंबे इलाज के बाद वो फिर से मैदान में आ रहे हैं, उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। उसके बाद सिराज हैं, हैदराबाद नए नए दरोगा बने, सॉरी डीएसपी बने हैं, जोश भरा हुआ है, हाँ मियाँ भाई पूरा जोश में है, तो इनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा अच्छा कर सकेंगे। मुझे केएल राहुल बहुत पसंद है और मुझे एंटरटेनमेंट से बहुत मज़ा आता है, तो सुनील शेट्टी की बेटी से उनकी शादी हुई है तो मुझे वो बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ उन पे ज़्यादा इस बार पैसा लगे। मोहम्मद सिराज, स्टार्क और साउथ अफ्रीका का रबाड़ा। ऋषभ पंत एक तो, और दूसरा बटलर। ऋषभ पंत क्यों? ऋषभ पंत बेसिकली वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उन्होंने जस्ट अभी रिकवरी किया है और आप देख रहे होंगे कि वो अच्छा खेलते हैं, दिल्ली से रिलीज हुए अभी जस्ट, वो ठीक है। मुझे लगता है कि ऋषभ पंत और बटलर, क्योंकि ऋषभ पंत ने एक्सीडेंट के बाद जो कमबैक किया वो बहुत ही ज़्यादा लाइक बहुत मिरेकल था, लगता नहीं था क्योंकि ऐसा उनका एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे लगता है उन पे ही ज़्यादा पैसे खर्च होंगे और ये मेरे दोनों फेवरेट भी है। मुझे ज़्यादातर फास्ट बॉलर पसंद है, तो जिसमें एक जोफ्रा आर्चर, और जब बॉल फेंकते हैं ना कसम भगवान की मतलब मज़ा आ जाता है, और दूसरा मोहम्मद शमी, उनका जो कमबैक किया ही हुआ है आप देखिए, तो ये दोनों प्लेयर्स हैं जो हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आवेश खान और ईशान किशन, और ईशान किशन इसलिए क्योंकि उन्हें धोनी से कहीं ना कहीं कंपेयर किया जाता है, तो मेरे हिसाब से इन पर इस बार ज़्यादा पैसा लगता है। मेरे अकॉर्डिंग केएल राहुल, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड से भी लिंक्ड है और अक्सर हमने देखा है कि बॉलीवुड से जो भी लिंक्ड रहता है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहता है। उसके अलावा श्रेयस अय्यर, जिस पे मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि उसने काफ़ी सारे ट्रॉफीज़ अपने नाम किए हैं पहले भी, काफ़ी सारे सीरीज़ में, तो बस ये दोनों मेरे टॉप वर्ड्स हैं।